हमने लास्ट टाइम रिलेटिव वेलोसिटी की थी और हमने ये सीखा कि वी ए बी वैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर और वी बी ए वैक्टर इज इक्वल टू वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, राइट। पर ऐसे ना लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वी ए बी क्या है, वी बी ए क्या है। तो इसको और डिटेल में करते हैं। जैसे सपोज मैंने लास्ट टाइम प्रॉब्लम भी कराई थी ट्री और वो कैसे था। जैसे सपोज करो मैं वेलोसिटी किसकी निकालना चाहता हूं, ट्री की। जैसे लास्ट टाइम सिखाया था ट्री की वेलोसिटी कितनी होगी और किसने देखा, बॉय ने। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो बॉय अपने आपको क्या मान लेता, मैं किस पे खड़ा हुआ, एट रेस्ट, उसको पेड़ चलते दिखाई देते हैं। तो पहली टर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी वेलोसिटी, और सेकेंड टर्म जो आंसर देगा। तो आंसर कौन दे रहा है, बॉय। तो अगर मैं लिखता हूं कि बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो किसकी वेलोसिटी निकालनी है, बॉय की, और कौन आंसर दे रहा है, मैन। ठीक। जैसे सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन मैंने विद रिस्पेक्ट टू लिखा ही नहीं, इसका मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कई बुक्स लिखती हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कई नहीं लिखती, ज्यादातर नहीं लिखती, उनको पता ही होता है कि अब क्या लिख के कंफ्यूजन ही क्रिएट करनी है उल्टा। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर है यहां तक। ग्राउंड का मतलब समझते हो, कोई बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा है, उसने देखा कि इस रेन की वेलोसिटी क्या है, ऐसे देखते हैं कि ग्राउंड पे कोई बंदा स्टेशनरी है, वो कह रहा है, मतलब आप अगर रेस्ट पे हो तो ग्राउंड आपको देख रहा है, तो ग्राउंड कह रहा है आपकी स्पीड रेन की कितनी है। तो अगर मैं ये कहूं कि रेन की स्पीड निकालना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू मैम, अब हो सकता है ये मैम चल रहा हो, चलते स्कूटर पे आंसर पूछ रहे हो, चल तो स्कूटर चला और बता रेन को तेरे की वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी क्या है, तो उसका आंसर कुछ और होगा, और ग्राउंड पे खड़े बंदे का आंसर कुछ और होगा। बारिश बहुत हल्की पड़ रही है, ग्राउंड पे खड़ा बंदा कहता है यार बारिश तो बहुत हल्की है, मैं जा सकता हूं बाहर स्कूटर चला के। लेकिन जब वो स्कूटर चलाता है बहुत तेज, मैन बहुत तेज स्कूटर चला रहा है, अब मैन से पूछा तू बता रेन की वेलोसिटी, कहता है बहुत तेज पड़ रही है, क्योंकि वो खुद बहुत तेज जा रहा है और छींटे बहुत तेज मुंह पे गिर रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसे ही होता है, बहुत तेज चलाओगे तो छींटे मुंह पे बहुत तेज लगते हैं। तो यानी कि दोनों आंसर में डिफरेंस है। तो अगर मैन की स्पीड बहुत होगी और चलते हुए मैन से पूछोगे भाई रेन तेरे को क्या लग रही है, तो फिर बोलेगा रेन की वेलोसिटी सुनो विद रिस्पेक्ट टू मैन।
देखो रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आई आपको, ये कैसे बोलना है कैसे लिखना है, और ये तो कुछ भी नहीं है यार, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का कुछ भी नहीं फॉर्मूला होता है, ये तो मेरे को हार्डली कभी यूज होता दिखाई देता नहीं है, बस दो क्वेश्चन इसमें यूज होता है खत्म हो गया। असली चीज़ क्या है इसमें, असली चीज़ है रेन एंड मैन प्रॉब्लम। लेकिन रेन एंड मैन प्रॉब्लम से पहले आप अगर ट्राई कर सकते हैं, देख के कह रहा हूँ, तो ये आपको टर्म्स गिवन है, आपको ये निकालना है, ट्राई करना, ये रिलेटिव वेलोसिटी। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, मैं आपको ना क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन में एक बार देख लें, नॉर्थ ईस्ट ये तो चलो सारी चीजें ठीक हैं, आप ये देखिए आपको क्या गिवन है, वीसी वेक्टर गिवन है, तो वीसी का मैग्नीट्यूड क्या है 40। वी बी सी का मतलब किसकी वेलोसिटी निकल रही है, बी की, कौन बता रहा है, सी। अब सी खुद चल रहा है, चलता हुआ सी बता रहा है कि जी बी की वेलोसिटी क्या है, क्लियर है, तो इतना बता रहा है। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड कुछ लिखा ही नहीं, तो दोनों के आंसर में फर्क होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी एक्चुअल कुछ और होगी और चलता हुआ सी कुछ और आंसर दे सकता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं चलता हुआ सी, क्योंकि वी सी गिवन है इसमें, जीरो थोड़ा ना गिवन है, 40 गिवन है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले v ऑफ c का मैग्नीट्यूड गिवन है, लिख लिया आपको क्वेश्चन में v ऑफ b c की वैल्यू भी गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको क्या निकालना है, v b निकालना है। देखो मेरे को सिर्फ दो चीज, एक चीज आती है मुझे, ये b c c b ना बहुत मुश्किल लगती है समझने, मेरे को तो बस सिंपल चीज आती है, अभी दो वेलोसिटीज हैं, एक वी बी और एक वी सी, सिंपल बस मेरे को ये आता है। कैसे कि सपोज ये जो एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर एक है और ये वेक्टर दूसरा है, और मान लो इनके बीच में एंगल जो भी थीटा है, और मान लो ये वी सी वेक्टर है और मान लो ये वी बी वेक्टर, बस मुझे ये आता है। और अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि प्लीज कैलकुलेट करके बताना वी बी सी कितना है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बस ये सिखाया गया है जो मुझे याद है अभी तक, कि वी बी सी वेक्टर क्या होता है, वी बी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर, ये मुझे याद है, राइट। इसका मतलब वी बी सी निकालने के लिए पहले मुझे वेक्टर फॉर्म में ये लिखना पड़ेगा, और वी बी सी वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिखें वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी सी वेक्टर, ये भी क्लियर है। पर मुझे गिवन क्या है, वी सी और वी बी, क्योंकि वेलोसिटी तो वी बी वी सी है, मुझे क्या चाहिए, वी बी के साथ माइनस वी सी। माइनस वी सी का मतलब क्या होता है, इसका नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर को क्या लिखेंगे, माइनस वी सी वेक्टर, क्या ये बात समझ में आ रही है। और मुझे क्या निकालना है, वी ऑफ बी सी वेक्टर, तो वी बी सी वेक्टर क्या होता है, वी बी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर, ये रहा माइनस वी सी, ये रहा वी बी। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं जिसमें ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये डायगोनल है, तो डायगोनल रिजल्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि डायगोनल रिजल्टेंट है तो ये क्या बनेगा, वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी सी वेक्टर, कोई डाउट इसमें, वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी सी वेक्टर, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वी ऑफ बी सी वेक्टर, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये वी बी वी सी, वी बी सी क्या कैसे लिखने होते हैं समझ में आया,
ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा सपोज करो मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूं कि इस बार मेरे को क्वेश्चन में गिवन है v ऑफ b, गिवन है मैग्नीट्यूड, गिवन है मेरे को v ऑफ cb मैग्नीट्यूड में गिवन है, यानी कि मुझे c की स्पीड पता है और कौन बता रहा है? b बता रहा है, और b खुद तो चल रहा है, जीरो तो है ही नहीं, और मुझे क्या निकालना है? मुझे c की एक्चुअल वेलोसिटी बतानी है क्या है। ठीक है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक काम करूंगा फिर से। सबसे पहला काम, मैं यहां पर दो वेक्टर लूंगा, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, और सपोज इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। इनमें से मान लो ये वेक्टर क्या है? वी बी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है? वी सी वेक्टर। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी सी वी उल्टा कोई मर्जी ले लो। तो मुझे ये बताओ कि मुझे चाहिए क्या, वी ऑफ सी बी वेक्टर। अब मुझे पता है वी ऑफ सी बी वेक्टर क्या होता है, वी सी वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, या फिर वी सी वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर, राइट। तो वी सी वेक्टर ये रहा, माइनस वी बी वेक्टर क्या होगा? देखो माइनस वी वेक्टर ये रहा आपके पास, माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही है। अब अगर मैं इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल दूं, तो इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये रहा, और ये क्या इसका रिजल्टेंट। तो जब ये इसका रिजल्टेंट निकलेगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा v ऑफ c वेक्टर प्लस माइनस v b वेक्टर। तो ऑटोमेटिकली इसको क्या लिखा जाएगा? v ऑफ c b वेक्टर। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है VC दे दिया, VBC दे दिया और VB निकालना है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, एक वेक्टर इमेजिन करूंगा क्या है? VC वेक्टर। एक वेक्टर इमेजिन करूंगा कितना? VB वेक्टर। ये एक्चुअल है, ये दो वेक्टर एक्चुअल है। मुझे क्या निकालना है? V ऑफ BC। तो VBC वेक्टर क्या होता है? VB वेक्टर माइनस VC वेक्टर। मुझे क्या गिवन है? VC वेक्टर। मुझे क्या चाहिए? माइनस VC। तो मैं इसे क्या कर लूंगा, डायग्राम को इसमें वेक्टर को उल्टा कर लूंगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? माइनस वी सी एक हो गया, माइनस वी सी एक हो गया, वी बी। तो इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और ये क्या आ गया बीच में? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे? वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी सी वेक्टर, यानी कि वी ऑफ बी सी वेक्टर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? मेरे को इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो वेक्टर है VBC, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 40 root 3। मुझे गिवन है कि V of C की वैल्यू गिवन है 40, तो ये भी कितनी रहेगी? 40 माइनस 40 थोड़ी ना, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। ये 40, ये 40, तो पैरेललोग्राम में ये भी कितना? 40। ये 40 root 3, ये 40, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 40 root 3 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसमें आंसर तो आ गया, डन हो गया। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने रिजल्टेंट को बिल्कुल बीच में कैसे लिया? क्या पता टेढ़ा बन जाता फिर? मैंने बिल्कुल सेंटर में लिया। क्यों? और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, क्योंकि अगर ये टेढ़ा हो जाता है ऐसा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता नहीं था, मेरा आंसर नहीं आता था। मुझे कैसे पता लगा कि ऊपर ही जाएगा? कोई आंसर दे प्लीज। क्योंकि क्योंकि ये कहां पर है? नॉर्थ में है, नॉर्थ ऊपर है, ये गिवन है। और ये क्या गिवन है? ईस्ट। बिल्कुल प्रॉपर आपको डायरेक्शंस गिवन है, इसलिए अगर ना गिवन होता तो गारंटी नहीं थी कि वो ऊपर ही जाएगा, टेढ़ा भी हो सकता था। ठीक है यहां तक? वो जान के आपको ऐसा ही ट्रायंगल देगा, ताकि राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना ही बनना है इसमें। रिलेटिव वेलोसिटी की खास बात क्या है? हर में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर ना बने ना, बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपको एंगल थीटा इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन में 90 बनता है, आपको दो गिवन होता है, तीसरा पाइथागोरस से निकालना होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्शन इसमें देखनी होती है कि डायग्राम कैसा बनेगा। तो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, रेन एंड मैन प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे।